दो दिन पाकिस्तानी सेना की हिरासत में रहने के बाद आखिरकार भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पहली मार्च यानी शुक्रवार रात में करीब 9:21 पर अपने वतन लौट आया। पूरा देश उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पाकिस्तानी रेंजर ने उन्हें वाघा बॉर्डर पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल को सौंपा। वहाँ से एक एयर मार्शल की देखरेख और नेतृत्व में अभिनंदन अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुँचे, जहाँ एक चार्टर प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ से वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पहले खबर आई थी कि भारतीय पायलट अभिनंदन को शाम को करीब 4:30 भारत को सौंपा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीवी पर खबरें आने शुरू हुई कि बीटिंग रिट्रीट के बाद सौंपा जाएगा। हालांकि भारत अपनी तरफ की बीटिंग रिट्रीट को एहतियातन रद्द कर चुका था और मीडिया को भी उसने ग्राउंड जीरो से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक दिया था। 3 बार अभिनंदन को भारत को सुपुर्द करने का समय बदला गया। अंधेरा होते ही लोगों के दिल दिमाग में आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी सेना आखिर पायलट को सौंपने में लगातार देरी क्यों कर रही है। कहीं इसके पीछे भी कोई सोची विचारी चाल तो नहीं है। कयास जल लगाए जाने लगे कि उसे रात के अंधेरे में लाहौर से वाघा बॉर्डर लाए जाने की योजना होगी, ताकि वह आसपास के इलाकों को न देख सके। परंतु अभिनंदन की रिहाई में देरी क्यों हुई और 3 बार फैसला क्यों बदला गया, इसका खुलासा जल्दी ही हो गया। षड्यंत्रकारी पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को रिहा करने से पहले उनके तथाकथित कबूलनामे वाला एक वीडियो तैयार किया, जिसमें वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह अपना टारगेट तलाश कर रहा था, तभी पाकिस्तानी वायुसेना ने उसके MiG-21 को निशाना बनाकर गिरा दिया। यानी पाकिस्तानी सेना अभिनंदन से यह कहलवाकर अपने इस झूठ को पुष्ट करना चाहती है कि उसका कोई F-16 विमान मारा ही नहीं गया, उल्टे अभिनंदन ने उनकी वायु सीमा का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की यह वैसी ही हरकत है जैसी उसने कई बार कुलभूषण जाधव मामले में उसके कथित कबूलनामे वाले वीडियो जारी करके की है। यह और भी आश्चर्यजनक है कि इस वीडियो के जरिए भारतीय मीडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का प्रयास पाकिस्तानी सेना ने करने की कोशिश की है, जिसमें अभिनंदन से कहलवाया गया है कि भारतीय मीडिया छोटी चीज को बढ़ावा चढ़ा करके पेश करता है। पाकिस्तानी सेना की यह पोल खुलती है जब अभिनंदन के मुंह से यह सुनने को मिलता है कि पाकिस्तानी सेना बहुत प्रोफेशनल है, उसी ने आकर उसे लोगों से बचाया। अब पायलट अभिनंदन भारत पहुंच चुका है और भारतीय जांच और सुरक्षा एजेंसियां उससे दिल्ली में ज़रूरी पूछताछ कर वहाँ उसके साथ हुए सलूक के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगी। साथ ही पाकिस्तानी सेना के इस वीडियो प्रोपेगेंडा की पोल भी खुलेगी कि उसने किस तरह टॉर्चर करके अभिनंदन से वह सब कहलवाया है जो उसकी निगाह में उसके लिए मददगार होगा। सवाल यही उठता है कि जो सच्चा होता है, जो फरेबी नहीं होता है, उसे इस तरह के वीडियो की ज़रूरत ही आखिर क्यों महसूस होती है। अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 उड़ाया है, यह हकीकत इस तरह के कथित कबूलनामे वाले फेक वीडियो से बदल तो नहीं जाएगी। अभी आज ही के तमाम समाचार पत्रों में उस F-16 का चित्र छपा है जो पाकिस्तानी पहाड़ियों पर गिरा हुआ है, उसका मलबा देखते हुए वहाँ के सेना के अधिकारी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान लाख खेल कर ले, वह इस सब से न तो भारतीय सेनाओं के कहर से हाफिज सईद को बचा पाएगा और न मसूद अजहर को। वह पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि उसी की धरती पर आतंक की खेती लहरा रही है, जिसे उजाड़ने और ख़त्म करने का संकल्प भारत ले चुका है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।